नमस्ते। आज का सफर हमने फिर से कर दिया है शुरू। बजे हैं अभी 12 बज गए हैं और हम लोग फिर कहीं चले। तो चलिए पूछते हैं कि आज हम कहाँ चलते हैं। आंटी कैसा लग रहा है, इतने दिन हम लोग घूम रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे बच्चे हैं। अपना परिवार जैसे है, अपने परिवार में जैसे अपने परिवार में हम। ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है आंटी। नहीं बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इधर धूप भी बहुत तेज हो रही है। अरे मतलब मैं खुद कह रहा हूँ मोटी, मतलब हमारे यहाँ सुख की निशानी है। पिता घर की है ये सुखी चाय के लिए। होटल हिमाचल जैसे ही नहीं लग रहा मम्मी? सगला हिमाचल जैसा ही है। घूमो इधर घूमो उधर घूमो, होटल होटल मैडम, होटल होटल होटल। हम लोग कुंभलगढ़ में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से ये दिख रहा है हमको किला। बाहर से किला बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हाँ। और अभी जैसे ही एंटर हुए हैं तो एक किला दिख गया। और ये दीवार देखो किले की। ओह, एंड ही वाज द मच मच ब्रेव, ही नेवर लूज एट द बैटलफील्ड। ओह, वाह वाह। हम लोग पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट और अभी हम लोग यहां पर रुके हुए कुछ देर के लिए। एंट्री हम लोगों ने ले ली है। पर पर्सन टिकट का चार्ज है 40 रुपीज, 40 रुपए आपको लगेगा टिकट चार्ज यहां पर एंटर करने के लिए। हमारी मारिया का लगेगा सबसे ज्यादा, और हमारी मारिया का लगा है 600 रुपए। मारिया का 600 रुपए और हमारा सिर्फ 40 रुपए, बहुत नाइंसाफी है। डबल ले लो, तिगुना ले लो, फिर भी 40 रुपए। नेक्स्ट टाइम ना भी ऐसी पहनाने वाली। सेकेंड लार्जेस्ट वॉल भी यहीं पर है वर्ल्ड की, तो वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। मैं खुद पहली बार देखूंगी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। मैं इसको बहका दूंगा। ओ भाई, ये यज्ञ या ये जितने भी मतलब प्रोग्राम होते थे ना, यज्ञ वगैरह पूजा पाठ उनके लिए। और ये खंभे देखो इसके कितने मजबूत हैं। फिलहाल जो हम देख रहे हैं ये है एक मंदिर। ये यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए बनाया गया था पूरा। और अभी फिलहाल तो उधर सामान रखा हुआ है उन्होंने, और देखते हैं इनके अंदर क्या है। अभी इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहा ना कुछ भी। सो ये वो जगह है, वो दीवार है जहाँ से उनके जो सैनिक होते थे वो
बचाव करते थे अपना खुद का। और इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि यहाँ से तो हम लोग तीर या बंदूक छोड़ सकते हैं, लेकिन सामने वाला वो चीज नहीं कर सकता। इसको इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, निशाना भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, निशाना भी लेने की जरूरत नहीं है। ऑसम यार, मैं तो दीवानी हो गई इस किले की। तो ये वो मंदिर है जहाँ पर महाराणा कुंभा पूजा किया करते थे, शिव जी को जल चढ़ाया करते थे, उनका अभिषेक करते थे। और जो शिवलिंग मैंने आपको दिखाई वो काफ़ी बड़ी है, और मतलब ये कहा जाता है कि जो राणा कुंभा थे वो सिर्फ ऐसे बैठकर और जब जल चढ़ाते थे तो उनकी हाइट इतनी थी कि वो जब बैठते थे तो उनके हिसाब से ही वो शिवलिंग बनाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि बैठने के बाद जब वो इतने ऊंचे थे तो उनकी कद काठी क्या रही होगी, और वो जब खड़े होते होंगे तो वो कितने ऊपर तक जाते होंगे। ये तो मतलब सच में बहुत, मतलब मुझे सुन के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा था, लेकिन ये सच है। इसीलिए वो शिवलिंग भी बनाई गई है और ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग किले पे ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है। फाइनली पहुंच गए हैं, हमें मिला है दरवाजा। सभी लोग आगे आगे जा रहे हैं और मैं हूँ सबसे पीछे। हम लोग चले जा रहे। मैं तो आवाज भी नहीं निकल रही मेरी तो। ये देखो वहाँ नीचे से आए हम लोग। आसमान में ऊपर आने के बाद ये देखो अंदर चल के देखते हैं। इधर भी एक रूम है और ये, और यहाँ पर गूंज रही है मेरी आवाज। अभी एक पड़ाव और बाकी है। चलिए यार, सीढ़ियाँ एकदम खड़ी है यहाँ की। यह है हमारा आखिरी पड़ाव और इसके ऊपर हमको नहीं चढ़ना है। यहाँ से ये इसका व्यू जो बहुत सुंदर है। नीचे से भी ऐसे ही दिख रहा था। कुछ तो है यार अलग, ज्यादा दूर दिख रहा है। कुंभलगढ़ का सफर हुआ हमारा खत्म, हम अब जा रहे हैं, वापसी ले ली है हम लोगों ने। और हम लोगों को ये किला वाकई बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने अच्छे से आराम से पूरा टाइम देकर इसको देखा, खाना भी खाया सब लोगों ने मिलके। बहुत अच्छा लगा खाना, थक गए थे और फिर स्वाद बहुत लगा क्योंकि आज हम लेके आए थे घर का खाना, घर से बना कर लेके आए थे। पिता घर की है ये सुखी चाय, ब्लैक रोज। हाँ, अरे मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, मोटी मतलब हमारे यहाँ सुख की निशानी है।